हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इटर्निटी ओएस के फर्स्ट इनिशियल एंड्रॉयड 12.1 अपडेट के बारे में पोको एक्स 3 प्रो के लिए। अब ये जो रोम है ना, ये आपको एक न्यू रोम देखने को मिलती है। मैंने इसका वैसे नाम नहीं सुना इन प्रीवियस 2 और 3 इयर्स। सो ये एक नई कस्टम रोम आपको मिलती है जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 12.1 के ऊपर। सो इसकी ऑप्टिमाइजेशन, इसके फीचर्स और यूआई का एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करता हूं। बट अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट फ़ोन पेज की। तो ये है एंड्रॉयड वर्जन 12.1 और यहाँ पर कोई लोगो वगैरह रोम का आपको नहीं मिलेगा। इटर्निटी वर्जन अगर आप देखोगे, वर्जन 1.4 है डार्कनेस नेम से, देन डिवाइस वायु लिखा है यहाँ पर, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट जुलाई 5 2022 से मिलता है। थोड़ा ओल्ड है बट जो अपडेट है वो मैंने लेटेस्ट फ्रेश इंस्टॉल किया है। और अगर आप देखोगे कर्नल, वो मोची यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिलेगा। एंड जो मोची कर्नल है, इसका जो अपडेट है ना, वो आपको सितंबर 5 से मिल जाता है। सिनलिंक स्टेटस आपका रोम के अंदर एनफोर्सिंग है, दैट्स वाई जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड मिलेगा। उसके बाद वाइडबैंड L1 आपको मिलता है, इवन गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग भी आपको मिलेगी। और जो चार्जिंग स्पीड है मैक्सिमम आपको जो है 33 वॉट से वो मिलेगी 4000 मिली एम्पीयर के आसपास। एंड चार्जिंग के टाइम में जो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा 42 डिग्री के आसपास गया था मेरे लिए। एंड कोई मेजर हीटिंग इशूज आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप रोम को नॉर्मली यूज करोगे तो यहाँ पर जो एक्टिव ड्रेन है ऑलमोस्ट 9-10% पर आर के आसपास है। आइडल ड्रेन 0.18% पर आर के आसपास डीपली वर्किंग है। सो जो बैटरी कंजप्शन है ऑन नॉर्मल यूसेज वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। कोई मेजर बैटरी ड्रेन मेरे को रोम के अंदर नहीं देखने को मिले। और अगर आप सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ चेकआउट करना चाहते हो तो 95% तक सीपीयू थ्रॉटल होता है। 173,000 के आसपास मैक्सिमम जीआईपीएस मिलेंगे और एवरेज है 167,000 के आसपास। और ये जो स्कोर्स हैं वो Geekbench 5 के अंदर है, थर्मल प्रोफाइल्स इनेबल कर रखे हैं। और जो वाइल्ड लाइफ टेस्ट के अंदर स्कोर्स है 3, 4, 5, 6 का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अगर आप इसका जो स्टॉक कैमरा वो चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ पर स्टॉक कैमरा मिलता है कैमरा को, और यहाँ पर स्टेटस बार के आइकॉन्स डिसअपियर होते हुए आपको मिल जाएंगे जो कि एंड्रॉयड 12.1 की काफ़ी सारी रोम्स के अंदर बगी था। सो ये आपको चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। रोम के स्मूथनेस की बात करें तो सबसे पहले स्टॉक लॉन्चर चेक करवाता हूँ। ये है पिक्सल लॉन्चर और इसके एट अ ग्लांस के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चेकआउट करोगे, क्विक सेटिंग पैनल के अंदर कोई भी लैग स्टटरिंग आपको नहीं मिलता। जो यूआई का एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिलता है। और डार्क मोड वैसे मैंने इनेबल नहीं किया, सो लाइक एवोल्यूशन एक्स आपको यहाँ पर जो है डार्क स्टेटस बार देखने को मिलती है। बेसिकली क्विक सेटिंग पैनल आपको डार्क मोड के अंदर मिलेगा। अब ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की जो स्पीड है वो आपको चेकआउट करवा देता हूँ। सो ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको मिलती है एंड यहाँ पर कोई भी लैग स्टटरिंग वगैरह यूआई के अंदर आपको नहीं आने वाला। एज यू कैन सी यहाँ पर जो एनिमेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड जो एक्सपीरियंस होने वाला है ना रोम के साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आपको मिलता है। अब लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड्स है इसकी भी ऑप्टिमाइजेशन आपको मैं चेक करवाता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्क्रोलिंग। यहाँ पर भी कोई लैग आपको नहीं मिलता। इवन जो पिक्सल लॉन्चर है ना, इसके अंदर जो ये सर्च बार वाला बग था ना काफ़ी सारी रोम्स के अंदर, वो आपको इसके अंदर फिक्स्ड देखने को मिलता है। और गेम स्पेस का आइकॉन आपको मिल जाता है बट ये क्रैश कर रहा है आई थिंक यहाँ से। सो आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसके मैं फीचर्स चेक करवाता हूँ। तो सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले इटर्निटी स्टोर नेम से एक ऑप्शन मिलता है जिसमें कस्टमाइजेशन है। स्टेटस बार के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4G आइकॉन है। क्विक सेटिंग के अंदर क्विक सेटिंग ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। देन बटन्स के अंदर वॉल्यूम सेटिंग्स आपको मिलती हैं और नेविगेशन बार में कोई चीज़ ऐड नहीं की गई। और जेस्चर्स यहाँ से क्रैश करते हैं अगर आप यहाँ से इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे। क्विक सेटिंग लॉक स्क्रीन के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलते। एडवांस रीस्टार्ट प्रेजेंट है। रीसेंट सेव में कुछ भी आपको नहीं मिलता। नोटिफिकेशंस भी पूरा खाली है। और मिसलेनियस में गेम स्पेस आपको मिल जाता है एंड आई थिंक जो गेम स्पेस है वो भी फिलहाल के लिए क्रैश कर रहा है। सो कुछ कस्टमाइजेशन के अंदर इश्यूज आपको मिल जाएंगे और मे भी आने वाले अपडेट्स के अंदर थोड़ी और कस्टमाइजेशन आपको मिलेंगी। बैटरी के अंदर देखोगे तो बैटरी परसेंटेज है। बैटरी यूसेज का जो ग्राफ है एंड्रॉयड 12.1 से अपडेटेड है। एंड जो थर्मल प्रोफाइल्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आ जाते हैं। सो यहाँ पर आपको जो है कुछ आइकॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं एज यू कैन सी। और डायरेक्ट साउंड इन्हेंसर मिलता है हाईफाई ऑडियो के साथ। क्लियर स्पीकर है। हैप्टिक फीडबैक की जो इंटेंसिटी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। डिस्प्ले में जो ऑप्शंस है यहाँ पर अगर आप देखोगे डार्क मोड के साथ में आपको आइकॉन मिलेगा और स्मॉलेस्ट विड्थ के साथ में
मिलता है। एंड कलर्स की बात करें तो कलर्स के अंदर ये वाले ऑप्शंस आपको मिलेंगे, देन रिफ्रेश रेट 30 से 120 का ऑप्शन है, टैप टू वेक है, एडिशनल डिस्प्ले फीचर्स मिलेंगे और डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन मिलता है। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर मैक्सिमम ग्रिड्स 5x5 है, उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर जेस्चर्स हैं और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं मिलता। सो ये एक मिनिमल रोम मैं बोलना चाहूँगा इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि अभी जो अपडेट है ये इनिशियल अपडेट है, सो यहाँ पर ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलती। रोम में BGMI में 90 FPS के ऊपर आप यहाँ पर गेमिंग कर सकते हो, बाई डिफॉल्ट 90 FPS इनेबल्ड है, बट अनफॉर्चुनेटली ये रोम मैं गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। गेमिंग के अंदर उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं फील होने वाला और टच के रिगार्डिंग थोड़े से इशूज़ आपको आ सकते हैं, बट थोड़ी कैजुअल टाइप आप गेमिंग यहाँ पर कर सकते हो। एंड गेमिंग के टाइम में यहाँ पर ना मेरे को मैक्सिमम जो टेम्परेचर मिला 43 डिग्री के आसपास था, हीटिंग इश्यूज तो नहीं आए, बट हाँ गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर हो सकती है आने वाले कुछ अपडेट्स में, चेकआउट कर लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो इस रोम के रिगार्डिंग अपडेट्स के तो वो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। बट राइट नाउ अगर आपको एक स्टेबल सी रोम चाहिए जिसमें आपको यहाँ पर जो एंड्रॉयड 12.1 मिले, तो ये रोम आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है, यूआई का एक्सपीरियंस है, बैटरी बैकअप है, ये सब चीज़ें मिला के यहाँ पर जो रोम है ना ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, पसंद आए तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट लिग्जर के एंड्रॉयड 12.1 के लास्ट अपडेट के अंदर।